हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल निखिल एक्सोटिक बर्ड में। ये आज का जो नया ब्लॉग बन रहा है वो नानाभाई पार्क चिड़ियाघर पे बन रहा है, जिसका मेंटेनेंस पूरा मैं संभालता हूँ, मगर मुझे उसका जो खर्च होता है वो 3 महीने तक मैं संभालता हूँ। 3 महीने के बाद उसका पूरा जो खर्च होता है वो नगर परिषद दे देती है मुझे। ऐसा ये नगर परिषद के थ्रू बना हुआ है पूरा। यहाँ पे काम मैंने किया है, ये सभी एक्जोटिक बर्ड को मैं लाया हूँ, इसका मेंटेनेंस मैं संभालता हूँ। डूंगरपुर में है और पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बना के डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, मगर जब मॉर्निंग में हम क्या खिलाते हैं वगैरह, इसका कैसा रहता है सिस्टम, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, मैं इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। ये जो केज है वो स्टार्टिंग में ही आएगा, ये केज गिनी पिक का है। और ये जो खरगोश देख रहे हो, ये बच्चे हुए थे हमारे यहाँ जो दूसरे केज में, खरगोश के केज में, तो इन बच्चों को हमने सेफ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को इधर शिफ्ट कर दिया है, ताकि दूसरे जो बड़े खरगोश उनको हार्म नहीं पहुँचाए। क्योंकि क्या होता है, इधर ज़्यादातर क्या होता है कि जब खरगोश के बच्चे बाहर निकलते हैं तो दूसरे जो बड़े खरगोश होते हैं वो खेलने के तौर पर उसको मार डालते हैं या कोई ना कोई नुकसान पहुँचा देते हैं, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ गिनी पिग के साथ शिफ्ट कर दिया। इस बार हमारे लॉकडाउन के अंदर ही 20 से 22 बच्चे हुए थे और अभी भी और बच्चे हैं, जैसे कि एक काफ़ी छोटे हैं अभी, शिफ्ट नहीं कर सकते उसको क्योंकि वो दूध पीते हैं। और ये इसके साथ गिनी पिग भी है, गिनी पिग भी हमारे पास अभी बढ़ गए हैं। पहले मेरे पास 6 ही थे, इससे पहले 35 थे, मगर वायरल इन्फेक्शन में आने की वजह से 6 रह गए थे। 6 से हमने अभी बढ़ाकर 15 से 18 हो गए और ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। गिनी पिग और खरगोश का क्या रहता है कि इंसान का जो डीएनए होता है ना, वो गिनी पिग और खरगोश से 50% मैच होता है। जो आप मेडिसिन यूज़ करते हो वो पहले इन पे एक्सपेरिमेंट होती है, ज़्यादातर तो गिनी पिग पे। गिनी पिग को 1000 से अधिक लैब एक्सपेरिमेंट के लिए काम में लेती है। गिनी पिग एक सुअर की प्रजाति है, ये शुअर की प्रजाति और ये अमेरिका में पाया जाता है। ये एक्जोटिक में आता है, आप इसे रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये है टर्की, टर्की दो है हमारे पास मेल, इन दोनों की फीमेल मंगा रखी है हमने, मगर अभी क्या लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद है तो आ नहीं पाई है। अब देखो जब खुलेगा तब मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। दोनों फीमेल वाइट में ही मंगाई है मैंने। और यहाँ पे है टर्टल, टोटोइस, सॉरी, 3 कछुए हैं, इनको आल डाल रखी है। सुबह सबका मॉर्निंग में खाना हो जाता है, तकरीबन 6 बजे के आसपास कंप्लीट हो जाता है सफाई वगैरह और दाना पानी। यहाँ 2 लड़के रहते हैं मेरे, जो एक दिन का है और एक रात का है। रात का जो रहता है वो दिन में सफाई वगैरह करके कंप्लीट करके जाता है, और जो दिन में रात का है वो, और दिन में जो आता है लड़का वो पूरा दिन रहता है और सफाई वगैरह करता है। और जैसे कि जिसको दाना पानी डबल डालना पड़ता है मॉर्निंग के बाद, जैसे हम डालते हैं, किसी को 3 बजे डालते हैं, किसी को 4 बजे डालते हैं, तो वो रिपीट जो दाना पानी होता है या सब्जियाँ फ्रूट वगैरह होती है वो रिपीट वो करता है। इसको टर्की बोलते हैं, स्पेनिश मुर्गा है ये। इसके बाद हम आए हैं ये गिनी फाउल के केज में, ये अफ्रीकन मुर्गा है, गिनी फाउल बोलते हैं इसको, चीनी मुर्गी बोलते हैं, सभी कंट्री में यानी सभी सिटी में अलग अलग नाम है इसके। इसकी खासियत यही होती है कि किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेता है, और ज़्यादातर इसका जो दाना पानी होता है वो हर चीज़ खा सकता है, कीड़े से लेकर सांप तक खा सकता है, और ये किसी भी इन्वायरमेंट को अपने आप एक्सेप्ट यानी कि अपने परिवर्तन कर लेता है उस इन्वायरमेंट में जाकर। अब ये फैंसी पिजन है, इसमें शिराजी है, मुखी है, 3-4 वैरायटी है। इनका बॉक्स है, ब्रीडिंग बॉक्स, जिसके अंदर ये बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे नीचे भी आ गए हैं। ये जो बच्चे हैं वो नीचे आ गए बड़े होने के बाद। इसका भी दाना पानी हो गया है, आज इसको मेडिसिन के तौर पे हमने
ए टू जेड दी है, जो इंसानों वाली आती है उसके अंदर ए टू जेड विटामिन होते हैं, वो हम इसको पानी के थ्रू देते हैं। 3 दिन का डोज देते हैं कोई भी दवाई का, ताकि क्या है कि रिपीट ना करनी पड़े। सर्दियों के लिए हमने हीटर भी लगाते हैं, हेलोजन भी लगाते हैं, मगर अभी सर्दी है नहीं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बंद कर रखते हैं। ये वो केज है खरगोश का, यहाँ सभी खरगोश रहते हैं। इनमें से कुछ खरगोश की अभी दवाई कर रखी है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन में आ गए थे और इनके बेबीज भी हुए थे। ये जो खड्डा देख रहे हैं आप, उसके अंदर ये बच्चे देते हैं। इनके अंदर क्या सिस्टम होता है, इनका गर्भपात सिर्फ 1 महीने का होता है। फीमेल 1 महीने के अंदर 6 से 8 बच्चों को जन्म देती है, और वो किसी खड्डे को खोद के उसके अंदर जाके बच्चे देती है, और बच्चे देने के पहले ये अपने सारे फर उतार लेती है। फर उतारने का मतलब क्या होता है, अपने सारे बालों को नोच लेती है और एक गद्दे की तरह बना लेती है सॉफ्ट, जिसके ऊपर बच्चे दे सके, तो उसके अंदर वो बच्चों को जन्म देती है। बच्चे 1 महीने, बच्चे यानी 10 से 12 दिन के होते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो इस खड्डे को जब भी बाहर निकलती है तो वो वापस मिट्टी से ढक देती है, ताकि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो खरगोश बच्चे देते हैं तब उनके प्रेडिटर ज़्यादा होते हैं बच्चे को खाने वाले, जैसे कि सांप है, नेवले हैं, मॉनिटर लिजर्ट है, ऐसी चीज़ें खा लेती है। तो वो क्या करती है, जब भी बच्चों को बाहर निकलती है तब बच्चों को, जैसे कि जहाँ खड्डा होता है उसको पूर देती है, पूरने का मतलब होता है उसको ढक देती है, ताकि क्या है बच्चों पर दूसरे जानवर अटैक ना करें। अभी मॉर्निंग में इनको गेहूं, चना और ये बाजरा ऐड करके डाल रखा है, पानी रख दिया है सबको। ये रहा हमारा जो खरगोश जो इन्फेक्टेड हो गया था, जिसको हमने दवाई की, देखिए इसकी पीली पीली जो दवाई है वो हमने स्प्रे कर रखा है। अगला केज है हमारा कॉकटेल, ये इमो का केज है। 3 इमो है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है इमो, और दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बर्ड बोलते हैं इसको। इसकी लंबाई 5.5 से 6 फीट होती है, और इसका वजन 50 किलो के आसपास होता है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, यानी खुली जगह में ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। ये उड़ नहीं पाता क्योंकि इसका वजन इतना होता है। ये सिराजी का केज है, ये इंडियन फेंटल है। इंडियन फेंटल, इसके साथ जो आप लोकल पिजन देख रहे हो, कबूतर देख रहे हो, वो रेस्क्यू किए हुए हैं, जैसे कि किसी के पंख में धागे से कट गया है, या फिर किसी को बिल्ली ने पकड़ लिया है जो उड़ नहीं पाएगा कभी, तो उनको हम रेस्क्यू करके यहाँ ला के रख रखते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसे वापस रिलीज कर देते हैं। सभी का दाना पानी हो गया है, ये रोजिला का केज है, रोजिला ऑस्ट्रेलियन पेरोट है, रेड रोजिला बोलते हैं इसको। इसका फीमेल हमको लाने का है, क्योंकि इसका फीमेल को चूहों ने अटैक किया था तो वो नहीं बच पाई थी बॉक्स के अंदर रात को, और ये मेल रह गया। सुबह सभी को मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड डाला जाता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मैं अपने घर पे डालता हूँ वही फूड वगैरह इनको डाला जाता है, और 3 बजे बाद
इनको जो हार्ड फूड होता है, मिक्स दाना जो होता है, इनका सीड मिक्स वो डाला जाता है, जिसमें 16 से 17 तरह के बीज होते हैं। ये हम केज में आए हैं कोन्यूर के। ये ग्रीन चिक कोन्यूर का म्यूटेशन है, इसमें पाइनएप्पल है, येलो शेड है, ग्रीन चिक है। सभी अपने अपने बॉक्स में, आधे तो घुसे हुए हैं और आधे बाहर हैं जो दाना पानी कर रहे हैं। ये गीज है, इसको राजहंस भी बोलते हैं। जो व्हाइट वाला है वो राजहंस है, एक ये रहा। और ये जो ब्लैक है वो मोस्कोई डक है, दो मोस्कोई डक है। और वो जो सामने फीमेल बैठी है उसने अंडे दे रखे हैं, वो हैचिंग पे बैठी हुई है। आज 10-11 दिन हो गए, 28 दिन के अंदर अंदर वो बच्चों को हैच कर लेती है। ये सन कोन्यूर है, सन कोन्यूर भी अमेरिका की एक प्रजाति है पेरोट की। सन कोन्यूर का मतलब होता है सन की तरह दिखता है, इसका जो फेस होता है मैंगो की तरह बिल्कुल। सबको सॉफ्ट फूड दे रखा है, दवाई डाल रखी है। अब हम आ गए हैं रिंगनेक के केज में। रिंगनेक इंडियन पेरोट है, जिसका ये म्यूटेशन है वाइट है। रिंगनेक यानी जो हरा तोता होता है ना इंडियन बर्ड पेरोट, उसका ये म्यूटेशन है। वाइट कलर है, येलो है, उसके बाद ब्लू कलर है। ये रिंगनेक के म्यूटेशन कलर है। ये अफ्रीकन ग्रे है, अफ्रीकन ग्रे दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पेरोट होता है। इसके अंदर 5 साल के बच्चे जितना दिमाग होता है, और ये 2000 वर्ड याद रख सकता है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। और इसका मेल फीमेल का जो पता पड़ता है वो डीएनए कराना पड़ता है। ये इसका बॉक्स लगा रखा है। रेड ब्रेस्टेड पेराकीट इंडियन बर्ड ही है, मगर ये नेपाल से लेके तमिलनाडु, केरल, इसके बाद चाइना तक में पाया जाता है। इसमें जो ये हरे तोते हैं वो सब एडॉप्ट किए हुए हैं, लोगों ने आके छोड़ दिए, जो अपने पालतू पेट से नहीं रख पा रहे थे तो इधर लाके छोड़ दिए। ये आ गए हम बजरी के केज में। बजरी एक तोता है जो दुनिया का सबसे छोटा तोता आता है, इससे कोई छोटा तोता नहीं होता है, जैसे कोई छोटा पेरोट नहीं होता है। और बजरी ये ऑस्ट्रेलिया का पेरोट है, इसका जीवन 10 से 12 वर्ष का होता है। और ये एवरी टाइम ब्रीड करता है, इनके अंदर मौसम में आके ब्रीड करना ऐसा नहीं होता है। इसमें बच्चे बड़े हुए वापस अंडे दे देते हैं। और ये जो अलग अलग कलर हैं वो जेनेटिक परिवर्तन की वजह से हुए हैं। ये कॉकटेल का केज है, इसमें ग्रे कॉकटेल हैं, पाइड हैं, वाइट फेस हैं, ल्यूटिनो एक फीमेल है। कॉकटेल भी ऑस्ट्रेलिया का पेरोट है, इसका जीवन 10 से 15 वर्ष का होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो बनाकर भेजता रहूँ।